किसानों से धान का क्रय का प्रक्रिया तेजी से चल रही है। कल तक जो है वो 164 लाख क्विंटल धान खरीदा गया था, जो कि पिछले साल जो है कुल धान जो इतने समय में खरीदा गया था 120 लाख क्विंटल से लगभग डेढ़ गुना ज़्यादा है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में, वर्तमान खरीफ कृषि वर्ष में पिछले साल से डेढ़ गुना ज़्यादा धान खरीदा है। ये केवल ये संख्या ही दर्शाती है कि सरकार किसानों से धान क्रय के लिए कितनी तत्पर है और हर प्रयास किया जा रहा है कि किसानों से धान समय पर खरीद लिया जाए, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और उनके खाते में धनराशि स्थानांतरित हो। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी जिलाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वो धान क्रय केंद्रों का स्वयं व अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन कराते रहें, चेक कराते रहें कि कहीं धान क्रय केंद्रों में कोई कठिनाई तो किसी को नहीं आ रही है और वो बदस्तूर चल रहे हैं। इसी प्रकार मक्का का भी खरीद चल रही है और 92,550 जो 147,225 क्विंटल मक्का खरीदा जा चुका है और ये प्रक्रिया भी तेज़ी से चल रही है। जहाँ जहाँ मक्का किसान उगा रहे हैं उनसे मक्का खरीदा जा रहा है। मूंगफली बुंदेलखंड के क्षेत्र में मूंगफली खरीद की भी प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा रही है। किसानों को समय पे उनकी फसल खरीदी जाए और समय पे उनको भुगतान हो, इसका प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। आज ही प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में, कोरोना के संबंध में नई गाइडलाइंस भी इशू की गई, जारी की गई हैं, जिसमें शादी समारोहों में भीड़ की संख्या कितनी हो इसे परिभाषित किया गया है। जो नए निर्देश जारी हुए हैं उसके अनुसार किसी भी बंद स्थान यथा हाल और कमरे की निर्धारित क्षमता का 50%, परंतु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंस, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर और हैंड वॉश की उपलब्धता के अनिवार्यता के साथ और इसके साथ साथ ये जो गतिविधियां उनकी बात हो रही है जो कि सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों की और अन्य सामूहिक गतिविधियों के बारे में था। इसके अलावा जो खुले स्थान हैं वहां पर जो गतिविधियों की अनुमति है, जो फाइनली है, वो ये है कि किसी भी बंद स्थान यथा कमरे की क्षमता का 50%, किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस वॉश, सोशल डिस्टेंस, थर्मल स्कैनर के साथ अनुमन्य किया जाएगा। उसके अलावा यदि खुले मैदान हैं तो उनकी जो क्षेत्रफल है, स्थानों का क्षेत्रफल, उसमें 40% से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य किया जाएगा। तो ये जो अन्य कार्यक्रम हैं उनमें अगर कोई बंद हॉल है, छोटा कमरा है और उसमें उसकी क्षमता का 50%, परंतु अधिकतम 100%, और अगर खुला मैदान है तो उसका जो क्षेत्रफल है उसकी 40% क्षमता ही इस्तेमाल हो, उससे कम ही इस्तेमाल हो, उसमें जितने भी लोग आ सकते हैं उनके फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइज़र व हैंड वॉश, इसकी शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी। तो ये आज निर्देश जारी हुए हैं, 100 व्यक्तियों तक सीमित किया गया है और 50% कैपेसिटी तक किसी हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का और खुले स्थान पर 40% से कम जो उसका क्षेत्रफल है उसकी क्षमता तक। ये नए निर्देश जारी किए गए हैं कोरोना संक्रमण से सावधानियां बरतने के लिए, पुनः दोहराने के लिए ही कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को सावधानियों से समझौता नहीं करना है। सब लोगों को हमको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। धन्यवाद।